देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। सर, आज की जो कार्रवाई पैटर्न गेट के ऊपर जो चल रही है, ये कार्रवाई कहां से कहां तक होने वाली है और कितने फीट का ये रोड के मार्किंग किया है? हमारे पास टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग भी है साथ में, उनके माध्यम से हम मार्किंग करके ले रहे हैं और कम से कम जगह लेकर के वो पूरा रोड क्लियर करने वाले हैं। कल हमने इसी जगह पे कार्रवाई किए थे, लेकिन ये मोबाइल की दुकान पे कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई टाइम नहीं होने की वजह से, लेकिन अभी आज ये पूरी कार्रवाई कर करके ये पूरा रोड क्लियर करने वाले हैं। एक बात, दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ से बहुत बार ट्रैफिक जाम होता है, महानगर पालिका के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से यहाँ पे बहुत बार ट्रैफिक जाम होता है और उसको नागरिकों को उसकी तकलीफ होती है बहुत सारी। तो हमारा बोलना ये था कि भाई ये निकाल दो। हमने इसके पहले 2008 में ये अतिक्रमण निकाल दिए थे, लेकिन उसके बाद में भी नागरिकों ने, घर मालिकों ने वापस से वहाँ पर अतिक्रमण किए थे, बल्कि हमने वो निकालने का अभी बोले। और 14 अप्रैल का जो जुलूस है, वो जुलूस यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे निकलता है, यही रोड है मेन रोड, इसके वजह से हम ये निकाल रहे हैं। और अभी 14 अप्रैल के जो रोड पे जो जो जुलूस के रोड पे जो जो लोग अतिक्रमण करेंगे, उसके लिए भी अभी दूसरा पदक तैयार है, वो भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। सर, यहाँ की जनता का आपको सपोर्ट मिल रहा है? 100% सपोर्ट कर रहा है, 100% सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये सलीम भाई आगे नेता है, इन्होंने भी सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे नागरिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए महानगर पालिका के माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं महानगर पालिका। धन्यवाद।